हेलो दोस्तों, क्वेस्ट फॉर एडुकेशन चैनल की तरफ से मैं भोलानंद महतो आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो में हम ट्रेन संबंधित मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन में एक बार प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर वन, ए ट्रेन 340 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम इट विल टेक टू क्रॉस ए 160 मीटर लॉन्ग टनल। तो दोस्तों, जब भी ट्रेन किसी टनल व ब्रिज को क्रॉस करेगी या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन को अपना दूरी और प्लेटफॉर्म या ब्रिज या टनल जो रहेगा उसका दूरी दोनों क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, ट्रेन की लंबाई है लेंथ ऑफ ट्रेन 340 मीटर, लेंथ ऑफ टनल 160 मीटर। तो दोस्तों, ये दोनों को जोड़ देते हैं हम 500 मीटर। दोस्तों, ट्रेन को ये टनल को क्रॉस करने के लिए 500 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। तो ट्रेन का स्पीड है दोस्तों, स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, ये बन जाएगा 45,000/36 मीटर पर सेकंड। दोस्तों, आप यूनिट मेथड से लेते हैं, 45,000 मीटर कवर इन 3,600 सेकंड्स, 1 मीटर कवर इन 3,600/45,000 सेकंड्स, 500 मीटर कवर इन 3,600/500/45,000, 0,000009। तो दोस्तों, मेरा आंसर हुआ 40 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर टू, ए ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस द ब्रिज 170 मीटर इन 22.5 सेकंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों, यहां पर ट्रेन का दूरी है लेंथ ऑफ ट्रेन 280 मीटर, अ ब्रिज ब्रिज का लंबाई है 170 मीटर। तो दोस्तों, टोटल हो जाता है 450 मीटर। दोस्तों, 450 मीटर दूरी ट्रेन 22.5 सेकंड में कवर करती है। तो हम लिखते हैं, इन 22.5 सेकंड्स ट्रेन कवर 450 मीटर, इन 1 सेकंड ट्रेन कवर 450/22.5 मीटर, इन 3600 सेकंड्स ट्रेन कवर 450/3600/22.5। पॉइंट को उठा देते दोस्तों, 72,000 मीटर। तो दोस्तों, मीटर को किलोमीटर में बदल देते, तो मेरा आंसर हुआ 72 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर थ्री, ए ट्रेन 175 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए ब्रिज व्हिच इज 125 मीटर लॉन्ग इन 80 सेकंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो दोस्तों, ट्रेन का लंबाई है लेंथ ऑफ द ट्रेन 175 मीटर, ब्रिज की लंबाई है 125 मीटर। दोनों को दोस्तों जोड़ देते, 0,300 मीटर। तो दोस्तों,
ट्रेन 300 मीटर कवर करती है 80 सेकंड्स में। तो दोस्तों इन 80 सेकंड्स ट्रेन कवर 300 मीटर, 1 सेकंड ट्रेन कवर 300 मीटर बाय 80 और 1 घंटा दैट इज 3600 सेकंड्स ट्रेन कवर 300 इंटू 3600 बाय 80 0 0 15 4 9 13,500 मीटर दैट इज 13.5 किलोमीटर। तो दोस्तों मेरा आंसर हुआ 13.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए 110 मीटर लॉन्ग टनल। तो दोस्तों यहां पर ट्रेन की लंबाई है लेंथ ऑफ द ट्रेन 220 मीटर, लेंथ ऑफ टनल 110 मीटर। दोस्तों दोनों को जोड़ देते हैं 330 मीटर। तो दोस्तों ट्रेन को 330 मीटर कवर करना है, तो स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, ये होगा 36,000 बाय 3,600 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों 36,000 किलोमीटर कवर इन 3,600 सेकंड्स, 1 मीटर कवर इन 100 बाई 36,000 सेकंड्स, 330 मीटर कवर इन 100 इंटू 330 बाई 36,000 33 सेकंड्स। तो दोस्तों मेरा आंसर हुआ 33 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, ए 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इफ इट टेक्स 30 सेकंड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों यहां पर हमको ट्रेन 30 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है इसको हमको निकलना है। तो स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 54,000 मीटर बाय 36 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ट्रेन 3,600 सेकंड में कवर 54,000 मीटर, 1 सेकंड कवर 54,000 बाय 3,600 मीटर, 30 सेकंड्स कवर 54,000 3,600 इंटू 30,000 12,450 मीटर। तो दोस्तों 450 मीटर, दोस्तों ट्रेन 30 सेकंड में 450 मीटर दूरी तय करते हैं, इसका 450 में अपना दूरी 90 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म का दूरी है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 450 माइनस 90 जीरो 360 मीटर। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।